शेफ नीता अंजनकर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. शंखनाद प्रस्तुत स्वादाची परफेक्ट मात्रा, शंखनादची खाद्ययात्रा प्रस्तुत करते आपले टेस्टी पार्टनर्स वाघमारे मसाले आणि 24 कॅरेट ऑइल. चला तर मग आजच्या भागाला सुरुवात करूया. आजच्या आपल्या रेसिपीचं नाव आहे टेस्टी बाईट्स. टेस्टी बाईट्ससाठी लागणारं साहित्य म्हणजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बॅटर. त्याचं हे बॅटर जे आहे हे डोशाचं बॅटर आहे. हे डोशाचं बॅटर कसं तयार केलं आहे तर 3 कप तांदूळ, 1 कप उडदाची डाळ, 1 चमचा चण्याची डाळ आणि 1 चमचा चवळी, मेथी दाणा 2 चमचे असं भिजत घातलं आणि त्याला बारीक मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं. कमीत कमी 7 ते 8 तास हे भिजत घालायचं, त्याच्यानंतर वाटायचं आणि मग 5 ते 6 तास नंतर हे वापरण्यात येतं. आता डोसा आपण नेहमीच खातो, आपे आपण नेहमीच खातो, उत्तप्पम आपण नेहमीच खातो, हे थोडंसं वेगळं आहे म्हणून याला आपण नाव दिलेलं आहे टेस्टी बाईट्स. मी काय करणार आहे, बटाटे आहेत, ही चटणी मी तयार केलेली आहे रेड चटणी टोमॅटोची. चीज घेतलेला आहे, कोथिंबीर आहे, हिरवी मिरची आहे, लसूण आणि मिरचीचं वाटण आहे, हिंग आहे, कढीपत्ता, कांदा आणि आपले सोबत आहेत टेस्टी पार्टनर्स. चला तर मग सुरुवात करूया. काय करायचं आहे आपल्याला, फक्त आणि फक्त साधी सरळ सोपी रेसिपी आहे, बटाट्याची भाजी करायची आहे. यात घालणार मी थोडंसं 1-2 टेबलस्पून तेल. तेल आपल्याला गरम होण्याची वाट बघावी लागणार आहे. तेल आपलं तापलं आहे, आपण त्यात घालणार थोडी मोहरी आणि थोडंसं जिरं. येस, आपण घालतं आहे थोडं हिंग आणि कांदा, अगदी थोडासा, एक छोटासा कांदा घेतला आहे मी, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही घ्या. कांदा थोडा परतून झाला की आपण त्यात घालणार आहोत लसूण आणि मिरचीची अगदी थोडी पेस्ट, अगदी थोडी, आणि हे ऑप्शनल आहे, वाटलं तर तुम्ही घाला. पण माझं एक मत आहे की भाजी ही आपल्या टेस्टनुसार बनवावी, म्हणजे की लसूण मिरची घातलंच पाहिजे असं काही नाही आहे, कांदा घातलाच पाहिजे असं काही नाही. हे तुम्ही सगळं काही नाही घातलं, नुसतं मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता एवढं घातलं तरी होणार आहे. कढीपत्ता मात्र भरपूर घालायचा आहे आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे आपल्याला ते बाईट्समध्ये लागले पाहिजे म्हणून थोडे मोठेच घेतलेले आहेत. सो यात आपण आता घालणार आहोत आपले टेस्टी पार्टनर्स, हळद आणि धने पावडर, दॅट्स ऑल. बस गॅस मी कमी करते आणि यात घालणार आहे आता आपण उकडलेले बटाटे. याला असंच हाताने आपल्याला कुस्करून घालायचं आहे. मीठ घालूया चवीनुसार, मीठ. बस ही झाली आपली बटाट्याची भाजी तयार. याला चांगलं मॅश करायचं. भाजी आपली तयार आहे, याला फक्त आता एखाद्या मोठ्या चमच्याने मॅश करून घ्यायचं, दॅट्स ऑल. रेडी, यात आपण थोडं कोथिंबीर घालू. भाजी तयार आहे, ही भाजी थोडी थंड करून घेते. भाजी आपली थंड झालेली आहे आणि त्याला चमच्याने असं थोडंसं मॅश करून घेतलेलं आहे. हे आपलं बॅटर आहे, यात आपल्याला टाकायचं आहे थोडंसं चवीपुरती मीठ आणि मिक्स करायचं. सगळं तयार आहे, आता फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. आपलं तेल तापेपर्यंत आपण
बॉल्स तयार करून घेणार आहोत. 24 कॅरेट ऑइल, 24 तास आरोग्याची हमी. आपण तळणासाठी तेल घेतो आहे. तेल गरम होईपर्यंत काय करायचं आहे, बटाट्याचं सारण घ्यायचं आहे. याची पारी करायची आणि एक छोटासा चीज क्यूब आपण याच्यामध्ये फिल करायचं. असे सगळे बॉल्स बस अशी थोडंसं एक होल करायचं बोटानी त्याला, आणि त्याच्यामध्ये चीज आपण फील करतो आहे, आणि त्याचं बंद करून असे बॉल्स तयार करायचे. असे तेल तापेपर्यंत आपले सगळे बॉल्स तयार होतात. असे सगळे बॉल मी तयार करून घेते आणि लगेच येते. सो आपलं तेल पण तापलं आहे आणि आपले बॉल्स पण तयार आहे आणि आपलं बॅटर पण तयार आहे. आता फक्त आणि फक्त यात डीप करायचं आणि आपले टेस्टी बॉल्स तळून घ्यायचे. गॅस आपला मीडियम स्लोवर करायचा आहे आता आपल्याला, आणि याला खमंग आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. आपण याला काय करू शकतो, आप्पे पात्र असतं ना, आप्पे पात्रामध्ये याची एक लेअर द्यायची, मध्ये बटाटा आणि चीजची लेअर द्यायची आणि वरून पुन्हा याची लेअर द्यायची. आणि कमी तेलामध्ये जर का खायचं असेल तर ते तसं तुम्ही खाऊ शकता. आपले मस्त बटाटे एवढे दिसतात ना, तसंच हे दिसतात, पण वेगळं लागतं. बेसनाची चव वेगळी आणि तांदूळ आणि डाळ आणि हे सगळं याच्यामध्ये मस्त लागतं. असे सगळे वडे मी आता ऑलमोस्ट आपलं हे झालेलं आहे. एकदम क्रिस्पी होतात आणि अफलातून चव आहे. असे सगळे आपले टेस्टी बाईट्स मी तळून घेते आणि तुमच्यापुढे मस्तपैकी प्रेझेंट करून घेऊन येते. कुठेही जाऊ नका, बघत रहा शंखनाद प्रस्तुत खाद्ययात्रा. झकासपैकी टेस्टी बाईट्स आपले तयार आहेत आणि एक चांगला उत्तम पर्याय आपल्याला स्टार्टर म्हणून हे देता येतं, किंवा मुलांच्या बर्थडे पार्टीला पण आपल्याला तयार करता येतं. नेहमी नेहमी डोसा उत्तप्पम खाण्यापेक्षा हा एक वेगळा प्रकार आहे असं मला स्वतःला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं त्याच्या प्रतिक्रिया मला हव्या आहेत. ही रेसिपी तुम्हाला 100% आवडली असेल याची मला 100% खात्री आहे. मंडळी, आता वेळ झालेली आहे एक छोटासा ब्रेक घेण्याची, आणि ब्रेकनंतर तुम्हाला तर माहिती आहे मी एका एक्सपर्ट गेस्टला घेऊन येणार आहे, आणि आज आपल्याकडे अतिशय 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 डायनॅमिक पर्सनॅलिटी आपल्या स्टेजवर येणार आहे, आपल्या किचनमध्ये येणार आहे. तेव्हा वाट बघा आणि त्या आपल्याला काय शिकवणार आहेत ते मलाही शिकायचं आहे आणि तुम्हालाही. चला तर मग आलेच, बघायला विसरू नका, पाहत रहा शंखनाद प्रस्तुत खाद्ययात्रा, पॉवर्ड बाय वाघमारे मसाले आणि 24 कॅरेट ऑइल. चला तर मी आलेच. वाघमारे वऱ्हाडी मसाला आता तुमच्या शहरात प्रत्येक किराणा दुकानात. वाघमारे वऱ्हाडी मसाला, दही रोजच्या जेवणाला स्वाद जरा अटके. भाई, खाने में जितना जरूरी होता है स्वाद, उतना ही जरूरी उसमें बसा स्वास्थ्य, और ये दोनों आपको भरपूर मिलेंगे सिर्फ 24 कैरेट कुकिंग ऑयल में.
जो खाना बनाते हुए लगे बहुत कम और दे पूरा स्वाद। वहीं स्वीडन टेक्नोलॉजी से बना ये ऑयल गर्म होते वक्त जरा सा भी धुआं ना होने दे। चार स्पेशल वैरायटीज में अवेलेबल यानी क्राउननट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल तो आज ही आजमाएं। अपने जायके और स्वास्थ्य दोनों को दे 24 कैरेट कुकिंग ऑयल का जानदार तड़का। चले मामा जी, घर चले 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 चले, सांस भी नहीं लेने दी यार। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले, घर पे ही रुके। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर, ये जर्म्स और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करे और दे साफ ठंडी हवा 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में, तो हवा और सेविंग्स दोनों टनटनाटन। तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट नागपूर घेऊन येत आहे आपल्यासाठी सुवर्ण संधी। या अंतर्गत तुम्हाला मिळत आहे 3 आणि 4 वर्षाची डिग्री कोर्सेस लंडन युनिव्हर्सिटी कडून L2 डिप्लोमा, सोबत मिळवा भारतात आणि विदेशात नोकरीची 100% हमी, शिका आणि कमवा एकाच परिसरात कॉलेज सोबत 5-स्टार कॅटेगरी हॉटेल मध्ये ट्रेनिंग करण्याची संधी, हॉस्टेल सुविधा उपलब्ध। एवढेच नाही, कोर्स सोबत मिळत आहे स्कॉलरशिप। अधिक माहिती करिता संपर्क करा, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक ला अवश्य भेट द्या। मंडळी, ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं मनापासून स्वागत। आणि मी सांगितल्याप्रमाणे आज आपल्याकडे कोण येणार आहे तर एक डायनॅमिक पर्सनॅलिटी येणार आहे, खूप हुशार आहे, प्रचंड म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचं मी इथे वर्णन करू शकत नाही, इतकी बुद्धिमत्ता त्यांच्याकडे आहे। आणि आज त्यातलंच थोडंसं ते आपल्याला काहीतरी शिकवणार आहेत, त्या बुद्धिमत्तेतला थोडासा भाग त्या आपल्याशी शेअर करणार आहे। चला तर मग, तुमची उत्सुकता मी जास्त ताणणार नाही, त्यांना मी लगेच आमंत्रित करते। आपल्याकडे येणार आहेत आज डॉक्टर डीनी मेनन। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम, आपका हमारी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आपके पास बहुत कुछ सीखने लायक है, तो आज आप हमको थोड़ा सा कुछ आपके पास जो है वो सिखाने वाले हैं। तो आज की आपकी डिश क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं उन्नीअप्पम। ये केरला का एक प्रसिद्ध पदार्थ है। ओके। जो घर की चीजें है उसी से ही बनाया जाता है। क्या बात है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये अपने कृष्ण भगवान का फेवरेट फूड भी है, इसलिए हम उसको और ज्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। यस, जैसे महाराष्ट्रीयन लोगों में रहता है कि सत्यनारायण की अगर पूजा घर में है तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा में हलवा ये बनता ही है, और उस सत्यनारायण की पूजा के हलवा जब बनता है तब उसमें हम लोग केला डालते हैं। yes. केले का मोर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम प्रसाद हमने दिया, किसी ने हमको सत्यनारायण जी का प्रसाद दिया, तो हम जब भी हम बाइट लेते हैं तब हमारे दिमाग में चलता है कि इसमें केला है। नॉर्मल हम बनाते हैं हलवा तब हम केला नहीं डालते। ऐसे ही है कि आपका ये स्पेशल कृष्ण भगवान को पसंद आता है, हर एक स्टेट में जहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ स्पेशल है। चला तर मग, आज आपल्याला काहीतरी स्पेशल शिकायला मिळणार आहे। सो मैडम, इसके लिए क्या क्या आपने को इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? आज हम जो उन्नीअप्पम बना रहे हैं उसके लिए हमको चावल लगेगा, नारियल के कट्स लगेंगे, उसमें थोड़ा घी लगेगा ये कट्स को फ्राई करने के लिए, ये हमको इलायची पाउडर है, थोड़ा सा पिंच सॉल्ट लगेगा, ये हमारा गुड़ का सिरप बनाया हुआ है, और मेन है उसमें केला पड़ेगा। कोशिश करिए आप छोटे केले मिले तो ज्यादा बेटर है। ओके, अभी नागपुर में भी या सभी जगह केरला स्टोर्स है तो वहाँ पे सब चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जो आपने बनाया है ये है, आप बताइए इसको कैसे बनाया? ये हमने चावल को 4 घंटे पानी में भिगो के रखा है, फिर उसके बाद उसका ये बैटर बन गया। मिक्सी में ये बहुत गाढ़ा बैटर है ना, लेकिन उसमें जब केले का पेस्ट और ये थोड़ा मेल्ट होके आ जाएगा तो वो प्रॉपरली बन जाएगा, क्योंकि हमको उसको फर्मेंट भी करना है। एंड दिस विल,
ये हमने जो केले के कट से उसको ये घी के अंदर थोड़े से फ्राई कर लिए। ये हमारे नारियल के कट से सॉफ्ट सॉफ्ट जो फ्रेश कोकोनट जो है उसके स्लाइस बना लिए और उसके छोटे छोटे पीसेस करके ऐसे कट्स बना लिए और ये घी में उसको फ्राई कर दिए थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश होने तक। हर एक का अपना स्टाइल होता है। महाराष्ट्रात राहिले असते तर खोबरं किसलं असतं आणि टाकून दिलं असतं पण याची काहीतरी वेगळी अफलातून चव असणार आहे म्हणून ते असं आहे आणि असंच करून बघायचं आहे। और ये जो गुड़ है आपने उसका ये बनाया अभी गुड़ को हम लोग यदि 750 ग्राम गुड़ लेते हैं तो उसमें 3/4 कप पानी डाल दीजिए और उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए तो थोड़ा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो हमको मिलाने के लिए आसान जाएगा। वही है सो आमचा हे बैटर तैयार है म्हणजे आम्ही तांदूळ सोकले ते 5-6 तास त्याचं हे मॅडमनी बैटर तैयार केलेला आहे। केळं आहे गुड़ आहे आणि खोबरं आपण तुपामध्ये भाजून घेतलेलं आहे सगळी तयारी करून घेऊन आलेल्या आहेत। मी म्हटलं ना बुद्धिमत्ता इथेच दिसते आणि मीठ पण आहे आणि गुळ पण आहे। अब क्या करना है हमको इसका प्यूरे बनाना है। यस ये 3 केला यदि इतना बैटर हम लेते हैं तो उसमें 3 केला हम मिक्सी में पीस के ले लेंगे तो उसका प्यूरी बनाएंगे हम लोग। अगर हमें ये केला नहीं मिलता तो नॉर्मल बड़े अपने जो नॉर्मल ग्रीन केले मिलते हैं येलो किलर रहता है उसका भी सीपी यदि 3 डाल रहे तो उसको हमको 2 डालना है क्योंकि साइज बड़ा है पर इसका अपना एक फ्लेवर है इसलिए हमको यदि कोशिश करें हमारी सिटी में आजकल हर लीडिंग बड़ी जो भी है दुकानें वहाँ पे ये केले मिल रहे हैं तो इसलिए इट्स नॉट डिफिकल्ट सब जगह मिल जाता है ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये केले हमने इसमें डाल दिए अब हमारी ट्यूट ये गुड़ का हमने बना के रखा वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हम लोग डायरेक्ट इसको केले के साथ मिला के भी पीस सकते हैं। तो इतना हमें पूरा लगने वाला है 3/4 निकाल लीजिए आप ही निकालो। हाँ जी थैंक यू। अभी केले के अंदर हम एक गुड़ के सिरप को थोड़ा ऐसे डाल देंगे और फिर इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे तो वो प्यूरी रेडी हो जाएगी। भाई खाने में जितना जरूरी होता है स्वाद उतना ही जरूरी उसमें बसा स्वास्थ्य और ये दोनों आपको भरपूर मिलेंगे सिर्फ 24-कैरेट कुकिंग ऑयल में जो खाना बनाते हुए लगे बहुत कम और दे पूरा स्वाद। वहीं स्वीडन टेक्नोलॉजी से बना ये ऑयल गर्म होते वक्त जरा सा भी धुआं ना होने दे। 4 स्पेशल वैरायटीज में अवेलेबल यानी ग्राउंडनट ऑयल सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल तो आज ही आजमाएं। अपने जायके और स्वास्थ्य दोनों को दे 24-कैरेट कुकिंग ऑयल का जानदार तड़का। ये प्यूरी हमारी तैयार है अब क्या करना है। अब हमको ये जो बैटर है एक बाउल में डालना है। ओके जो चावल का बैटर हमने बनाया है ये कैसे थोड़े देर रखे इसलिए थोड़ा सा थिक हो गया अदरवाइज ये एकदम स्मूथ रहता है। ओके ये हमने ले लिया फिर इसमें हम लोग ये जो केले का हमने जो बनाया इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे। उसका कलर बहुत ही प्यारा आया क्योंकि वो केले के साथ हमने गुड़ को भी मिक्स कर दिया है तो उसकी वजह से उसमें एक बहुत सुंदर सा एक कवर आ गया। आप मेरी हेल्प करेंगे बिल्कुल ये घुमाती बिल्कुल मैं ये ना वेस्ट नहीं जाने देती यस इसलिए पूरा मैं इसको मिक्स करती हूँ आप उसमें तो इसको घुमाते रहेंगे तो वो जो बैटर है ये दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके सो हमने पहले चावल का पेस्ट लिया और उसमें केले का और गुड़ का जो है वो उसमें डाल के अच्छे से मिक्सी में हम इमीडिएटली करते तो ये ऐसा थिकनेस भी नहीं आता है एकदम अच्छे से वो चावल भी क्योंकि हमने अभी बना के हमने बना के वो शो किया है इसलिए। अब इसमें क्या करना है हमको थोड़ा सा ये इलायची पाउडर डाल देना है थोड़ा टेस्ट के लिए उसमें फ्लेवर आए इसलिए थोड़ा सा ही डाला है ना पता है केले के साथ इलायची जाती है और ऐसा बोलते हैं कि केला खाने के बाद आप इलायची खा लो तो अगर सर्दी वर्दी है तो निकल मराठी में बोलते कि तुम्हारा बाधत नहीं अरे हर एक के पीछे एक रीजन होता है तो केला जैसे किसी को नहीं जमता है तो इलायची खा लो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसको। यस 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 अब इसमें जस्ट फॉर टेस्ट थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे क्योंकि अगर हम कुछ भी मीठा बनाते हैं थोड़ा सा आप लोग जब पूरन पोली बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। अब हमारा ये
इस पे फ्लेवर आने के लिए, उसको टेस्ट आने के लिए। तो हम इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। हाँ, सो ये हमारा बन गया। वो ऐसे लग रहा है कुछ चॉकलेट का, चॉकलेट का बैटर बन रहा है, जैसे केक का कुछ चॉकलेट केक बना रहे हैं। ये हमारा देसी केक है। मफिन्स खाते हैं हम लोग, उसी तरह का ये भी गोल गोल शेप में बनेगा। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया। बट अभी ये जो बैटर बन गया है, इसके बाद हमको इसको 6 घंटे के लिए फर्मेंट करना है। ओह माय गॉड, साउथ में आपको हर चीज फर्मेंट, इडली बनाओगे फर्मेंट करना, तभी उसका एक जो फ्लेवर है वो आएगा। सो ये हमको फर्मेंट करने के लिए 6 घंटा रख। मैडम ने रेडी पण आणलेला आहे, ते घेऊन आम्ही लगेच आलो। वाव, आपलं हे बॅटर तयार आहे, कारण याला 6 तास लागणार होते म्हणून मॅडमनी तयार बॅटर घेऊन आलेलं आहे। आता जे बॅटर आम्ही आत्ता तुमच्या पुढे तयार केलं त्याचं 6 तासांनी आम्ही पण फडशा पाडणार आहे। डोंट वरी, आता पुढे काय करायचं आहे? अभी बॅटर जब हम बनाते तब थोडा वो थिक हो गया ऐसे लगा हमको, तो हम उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते। अब ये हमारा आपे पात्र है, ये सबके पास ही रहता है आजकल, क्योंकि हम इडली के बैटर का भी आपे बनाते हैं। अब इसमें हमको थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा। और दूसरी एक पैन भी रख के उसमें भी हमको तेल गरम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तेल गरम करने रख देते हैं, क्योंकि हमको साइमल्टेनियसली काम करना है, राइट? तो ये मैं कढ़ाई रखी हूँ और इसमें तलना है। हाँ जी, डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना है। ओके ओके ओके। सो हे तेल आहे 24 कैरेट ऑइल 24 तास आरोग्याची हमी। देखिए तेल, देखिए और चाहिए? हाँ बस बस। अब इसमें भी हमको हर होल में ऑयल डालना पड़ेगा। ओके, गैस ऑन कर, गैस ऑन कर देती हूँ मैं। हाँ जी, ये अलग अलग तरीके के मिलते हैं, किसी इस पे 6 रहते हैं, किसी में 9 रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। यस, तो इसमें हम हर होल में तेल डालेंगे। डालिए ना, डालिए, हाफ 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 भरना है उसको। ओके, ये ऐसा है ना, ये जितना बड़ा लोगे आप उतना ज्यादा प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, राइट? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बनाना है कम टाइम में तो बड़ा ले लीजिए। और आपे वगैरह हम लोग जब बनाते हैं ना, तो बनाने वाला बनाते रहता है, खाने वाला खाते रहता है, इसलिए बड़ा ही लेके आओ। बड़ा लेके आओ, तो एक बार में बनेगा तो साथ में मिलके खा सकते हैं। यस, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हमको ऐसा लगा कि ये थोड़ा गर्म हो रहा है, तब हम बैटर को उसमें डालेंगे। तो तेल गरम होण्याची आपल्याला वाट बघावी लागणार आहे नेहमीप्रमाणे। तेल अपना गरम झाले ला, हमारा तेल गरम हो चुका है। यस, अब हम, अब ये हमारा बैटर एकदम रेडी है और तेल भी हमारा रेडी है, तो हम लोग एक एक ऐसे इसमें डालेंगे। ओके, तो कोशिश करना है हमको साइड से डाले, क्योंकि बीच में हीट ज़्यादा पड़ रही है तो जल्दी से पक जाएगा। ओके, तो आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए गैस को। ओके, गैस हमें कमी के लिए ला है, तो वो एकदम ब्राउन हो जाएगा। यस, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बीच वाला जो होता है वो जल्दी पक जाता है, साइड में या तो गैस सिगड़ी जो बनाते हैं उन्होंने, या तो फिर जो फैन बनाते हैं उन्होंने। अभी तो हमने यही ध्यान में रखना है कि हमने साइड से उसको डालना है। यस, ताकि वो आखिरी में हम सेंटर में पहुंचे। ऐसे पूरे होल्स हमको फील कर देने हैं ये पॉट के। अब देखिए उसको ब्राउन होना शुरू हो गया है और वो फूल भी गया है, क्योंकि फर्मेंटेड है ना। यस, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए उसका बहुत सुंदर, बहुत। अब हम ये देख रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा बन गया है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे, पलटा देंगे। तो आप 2 स्पून और इसकी मदद से ओके ये सबको आपको पलटाना है। ओके, ये पलट जाएंगे, देखिए कितना गोल्डन ब्राउन मस्त लग रहा है एकदम। क्या बात है, थोड़ा सा आर्ट है उसका भी पलटाने में भी, नॉनस्टिक होने की वजह से। वो आपको जो ऐसा जो लगता है ज़्यादा पक गया है उसको हम लोग पलटा देंगे। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इस साइड में तेल है ना अपना, तेल कम हो गया उधर, इसलिए आपको देखना है कि आप, वो तो जजमेंट आ जाता है हमको कुकिंग करते करते। यस, हमको क्या करना है एंड टाइम पे। ये थोड़ा सा इधर के जल्दी, अब हमको लगे ये हो गया
तो डायरेक्ट हम इसको उठाएंगे और हमारे कढ़ाई में इधर पास। क्या बात है, वाओ, रेडी। अब इसको डीप फ्राई, थोड़ा सा ब्राउनिश हो आ जाएगा, गोल्डन ब्राउनिश। ओहो, नाइस, वाओ। अब ये हम एक्सपर्ट है इसलिए, अदरवाइज प्लेट में लीजिए उसको, फिर बाद में, और फिर उसको डालिए। ओके, नहीं तो नीचे गिरने की भी। वाओ, ठीक है, ये अपना ये होते रहेगा। गैस कैसा चाहिए, जैसे गैस थोड़ा मिनिमम ही रखना है, लो फ्लेम पे। ओके, ताकि वो अंदर तक पक जाए। अंदर तक, यस यस, क्योंकि ऊपर से तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा, हाँ, बट वो अंदर का अच्छा रह जाएगा फिर, इसलिए ये तो मेरे को गुलाब जामुन के जैसा दिख रहा है। चावल के गुलाब जामुन, सिर्फ चावल के गुलाब जामुन विथ बनाना। यस, तो ये हम इधर भी काम कर रहे हैं। यदि आपके घर में दो लोग है, दो लोग मिल के करेंगे या फिर अकेले, मैनेज करना है। वैसे आप क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। ये देखिए, ये हो गया है। यस, देखो कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं वो भी। बस इसको भी ये हो जाता है तो हम लोग ऑयल में। आप क्या करते हो बताइए? मैं यहाँ लीडिंग कॉलेज है अपने सिटी का, हिस्लॉप कॉलेज, वहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। क्या बात है। और ये आप कुकिंग का भी पैशन रखती हूँ? साथ ही साथ जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज घर में भी खाने वाले हैं और मुझे भी खाने का शौक है, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर घर में ही खाने वाले शौकीन लोग हैं, yes, तो बनाने में भी मजा आता है हमको, तो हमको, yes, ये आराम से, मैंने अभी बोला, yes, हमने, yes, इसको प्लेट में भी लेके हम इसको ऐसा पास कर सकते हैं। yes, yes। तो अभी हमको जितना चाहिए हम, फिर इसके बाद ये बैटर हमको लगा कि अब इतना काफी है हमारे लिए, तो हम ये बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं। okay। बनाने के पहले एक घंटा पहले आप उसको निकाल लीजिए। okay। फिर वापस से बना लीजिए। मैडम एक थोड़ा सा तीन चार तो बना ही लेंगे, क्योंकि इतना तो काफी, इतनी सारी टीम को हमको खिलाना है। लेकिन हमको अब इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। आपका 24 कैरेट ऑयल आप यूज कर सकते हैं वापस। बिल्कुल, ये देखिए अब ये इसका कलर एकदम से अच्छा है, कितना गोल्डन ब्राउन होते तक उसको, yes, तलना है, yes, और निकाल देना है। आप उसको ऐसे भी खा लीजिए, okay, या फिर टी और कॉफी के साथ इवनिंग टाइम पे आप भी, yes, उसको खा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिठास नहीं है और गुड़ होने की वजह से वो ज्यादा नुकसान भी नहीं करता। इवन डायबिटिक पीपल कैन ऑल्सो ईट, गुड़ है, ज्यादा नुकसान नहीं देता है वो, सो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो आम्ही अशाच तऱ्हेने आणखी भरपूर तयार करून घेतो आणि लगेच तुमच्याकडे परत येतो, मस्तपैकी प्रेझेंट करून घेऊन येतो। कुठेही जाऊ नका, बघत राहा शंखनाद प्रस्तुत खाद्ययात्रा, पॉवर्ड बाय वाघमारे मसाले आणि 24 कॅरेट ऑइल। लगेच येतो। झकासपैकी उन्हें अप्पम तैयार है। इसका प्रोनाउंसिएशन है बहुत मज़ेदार रहता है, जो साउथ की डिशेज रहती है, जो केरला की रहती है ना, उन्हें अप्पम, अपच, अच्छप्पम, या ऐसा, मतलब इडियप्पम, बहुत बहुत मज़ेदार, पोड़ी है ना, अप्पम इज कॉमन, उसके साथ कुछ कुछ लग के बहुत सारे आइटम बनता है। मज़ा आता है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करने में बहुत मज़ा आता है। आपने बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है, गुड। मतलब आप एक प्रोफेसर होके भी ये सब करती हो, ये मतलब इट्स एन आर्ट, तो ये भी आर्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास बुद्धि का भंडार है, तो उसमें से आप थोड़ा सा हमको देने वाले हो, तो आपने आज हमारे किचन में आके ये इतना सारा बहुत अच्छा डेलिशियस डिश हमको सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आप आए, बाहर आई मंडली, थैंक यू। हम आपको छोड़ने वाले नहीं, हम आपको बुलाने वाले हैं। आपके पास टाइम नहीं है, मगर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मंडळी अशाच छान छान स्वादिष्ट चवदार मस्तपैकी सोप्या साध्या सरळ रेसिपीज बघण्यासाठी काय बघायचं आहे? शंखनाद प्रस्तुत खाद्ययात्रा, पॉवर्ड बाय वाघमारे मसाले आणि 24 कॅरेट ऑइल। आणि
आता वेळ झालेली आहे तुमचा निरोप घेण्याची. आम्ही दोघीही तुमचा निरोप घेणार आहे. लवकरच भेटूया. मी तुम्हाला भेटायला रोज येणार आहे नवीन नवीन रेसिपी घेऊन. आता मात्र तुमचा निरोप घेते. नमस्कार. वाघमारे वऱ्हाडी मसाला आता तुमच्या शहरात प्रत्येक किराणा दुकानात. वाघमारे वऱ्हाडी मसाला दही रोजच्या जेवणाला स्वाद जरा अटके. भाई खाने में जितना जरूरी होता है स्वाद उतना ही जरूरी उसमें बसा स्वास्थ्य. और ये दोनों आपको भरपूर मिलेंगे सिर्फ 24 कैरेट कुकिंग ऑयल में, जो खाना बनाते हुए लगे बहुत कम और दे पूरा स्वाद. वहीं स्वीडन टेक्नोलॉजी से बना ये ऑयल गर्म होते वक्त जरा सा भी धुआं ना होने दे. चार स्पेशल वैरायटीज में अवेलेबल, यानी क्राउन नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल. तो आज ही आजमाएं, अपने जायके और स्वास्थ्य दोनों को दे 24 कैरेट कुकिंग ऑयल का जानदार तड़का. लेने दी यार. साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले, घर पे ही रुके. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर, ये जर्म्स और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करे और दे साफ ठंडी हवा 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में. तो हवा और सेविंग्स दोनों टनटनाटन. तुली कॉलेज ऑफ होटल मॅनेजमेंट नागपूर घेऊन येत आहे आपल्यासाठी सुवर्ण संधी. या अंतर्गत तुम्हाला मिळत आहे 3 आणि 4 वर्षाचे डिग्री कोर्सेस लंडन युनिव्हर्सिटी कडून, L2 डिप्लोमा सोबत मिळवा. भारतात आणि विदेशात नोकरीची 100% हमी. शिका आणि कमवा एकाच परिसरात कॉलेज सोबत 5-स्टार कॅटेगरी हॉटेल मध्ये. ट्रेनिंग करण्याची संधी, हॉस्टेल सुविधा उपलब्ध. एवढेच नाही, कोर्स सोबत मिळत आहे स्कॉलरशिप. अधिक माहिती करिता संपर्क करा. इंस्टाग्राम आणि फेसबुक ला अवश्य भेट द्या.